छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति और तीज त्योहारों के संवर्धन को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ी व्यंजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में गढ़ कलेवा की शुरुआत की जा रही है, जहां स्वस्थ वातावरण में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुफ्त उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में भी गढ़ कलेवा की शुरुआत की गई। जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3000 स्क्वायर फीट में निर्मित गढ़ कलेवा का लोकार्पण किया। अर्चना महिला स्वसहायता समूह की ओर से संचालित इस गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, आयरसा, चौसेला, तस्मई, करी लड्डू, सोहारी और अन्य विविध प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। गढ़ कलेवा में दूध, दही, घी तथा डिब्बा बंद सूखा आइटम, तिल लड्डू, नमकीन, करी लड्डू, सलोनी, मुरकू, खाजा, बालूशाही, खुरमी, बिजौरी भी खरीदे जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी जो हमारा कल्चर है, उनका खान पान है, उसको प्रमोट करना है। और बलौदा बाजार जिले में जिला हेडक्वार्टर में बहुत ही सुंदर गढ़ कलेवा भी बनाया गया है, जिसका उन्होंने स्वयं उद्घाटन किया। गढ़ कलेवा में ग्रामीण परिवेश का अनुभव कराने के लिए पूरे परिसर को छत्तीसगढ़ की गाँव के रूप में दिया गया है। गढ़ कलेवा में आकर्षक सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही ग्राहकों को फ्री वाईफाई की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। गढ़ कलेवा में आने वाले ग्राहकों के लिए बैठक की दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला आउटडोर और दूसरा इनडोर में, जहां पर ग्राहक पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं। मतलब जितने हमारे व्यंजन सब यहां मिलता है और मैं दूसरे जगह नहीं जाके यहीं बढ़ावा देने के लिए यहां आया हूं। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को जो देश विदेश में भी मतलब इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत शुद्ध है मेन, तो इसको तो हम लोगों को बहुत पसंद आया। छत्तीसगढ़ के व्यंजन खास त्योहारों पर ही लोगों के घरों में बनते हैं, लेकिन गढ़ कलेवा में ये व्यंजन हर दिन मिलते हैं। समूह की दीदियों के द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ी पकवानों के अलावा गढ़ कलेवा में सुबह नाश्ते में चावल का गर्मा गर्म चीला, चटनी, सब्जी के साथ दिया जाता है। साथ ही दोपहर में भोजन की व्यवस्था भी रहती है। यहाँ 50 से ज्यादा महिलाएं 3 शिफ्ट में व्यंजन बनाने से लेकर सभी काम कर रही हैं। खुरमी, ठेठरी, नमकीन, गुलगुला भजिया, मिर्ची भजिया, चौसेला, अरसा, बड़ा सब चीज बनते हैं। ये सब मतलब गढ़ कलेवा में बनाथन तो हमार मन के रोजगार है, सब यही में जुड़ गए हैं। तो सब बहनी मन घलो आते यही समूह में काम करे बा। गढ़ कलेवा के जरिए सरकार न सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्वादिष्ट व्यंजनों का जायका लोगों तक पहुंचा रही है, बल्कि महिला स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार और आर्थिक समृद्धि भी हासिल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।